हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। हेलो दोस्तों, मैं दामू और आप देख रहे हैं द मैकेनिक बडी। और आज के इस वीडियो में अपन लोग सीखने वाले हैं कैसे हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन पर ही बिल बना सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये एक टैक्स इनवॉइस है। जैसे कि आपने कभी कोई प्रोडक्ट अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट से ख़रीदा होगा, आपको सेम इसी तरह की इनवॉइस मिलती है। या फिर आप कभी लोकल स्टोर में गए होंगे तो आपने वहाँ से कोई भी चीज़ परचेज़ की होगी तो आपको कुछ इस तरह का बिल मिलता है। आप उस बिल को अपने मोबाइल फ़ोन पर भी बना सकते हो। और अगर आपका कोई बिज़नेस है, आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, आपको बिल बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इस तरह से अपने मोबाइल फ़ोन पर ईजिली बिल बना सकते हो। 10 से 30 सेकंड के बीच में ही आप अपना बिल ईजिली बना पाओगे। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको कस्टमाइज हुई मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी थीम हैं। आपको कोई भी ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है एक्सेल शीट में, जैसे कि एक्सेल में आपको बनाना पड़ता है बिल, तो आप यहाँ पर सीधे कस्टमाइज थीम यहाँ पर पिक करके सीधे बिल बना सकते हो। मैं आपको फुल ट्यूटोरियल दूंगा, आप इजीली यहाँ पर बिल बनाना सीख जाओगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, कुछ इस तरह से बिल होता है। जैसे कि थीम वन में मैंने यहाँ पर क्लिक करके रखा है, आपको सारा यहाँ पर बताऊँगा कि आप कोई भी यहाँ पर थीम सेलेक्ट करके अपना बिल बना पाओगे। तो यहाँ पर आपने अप्लाई चेंजेस पे करके सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं इस एप्लीकेशन का यूज़ करना बताऊँगा। तो यहाँ पर ये एक एप्लीकेशन है, मैं आपको इसका लिंक भी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सबसे पहले आपने यहाँ पर सेल पर क्लिक करना होगा, क्योंकि हमने अपना प्रोडक्ट परचेज़ करना है अपने कस्टमर को, तो उसको बिल देना होता है। तो यहाँ पर सेल पर क्लिक करिए, उसके बाद कस्टमर का नाम एंटर करिए, जिस भी कस्टमर को आपने अपना बिल देना होता है। तो ये इनवॉइस नंबर 6 है, और उसके बाद डेट आपको देखने को मिल जाती है जो कि आपके बिल में जाएगी। अब आप यहाँ पर अपने कस्टमर का नाम एंटर करिए। मैं फ़िलहाल यहाँ पर मिस्टर खंटवाल, जो कि एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, जो कि मैं यहाँ पर डेमो एक बिल बनाने वाला हूँ एकदम प्रोफेशनली। अब आप ऐड आइटम में वो आइटम ऐड करिए जो आपने बेचा है और जिसका आप बिल बना रहे हो। तो यहाँ पर मैं एग्ज़ाम्पल पर कॉमिक्स बुक ले रहा हूँ। आप जो भी मतलब कि लेंगे, जब बिल बनाएंगे, आप जिस भी चीज़ का बिल बनाएंगे उसको एंटर करेंगे, उसके बाद उसकी क्वांटिटी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी होगी मेरी वो 50 होगी, और उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बिल सेट करूँगा। तो यहाँ पर देखिए 50 मैंने एंटर कर दिया है। अब पर यूनिट के हिसाब से, जो कि पर यूनिट है एक कॉमिक्स बुक का जो प्राइस है, वो यहाँ पर एंटर करेंगे। तो मैं 115 रुपये 50 पैसे एंटर करने वाला हूँ, और उसकी जो अमाउंट है आपको देखने को मिल जाएगी। मैं यहाँ पर पैसे में भी ले रहा हूँ इस वजह से, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर 5775 जो कि टोटल अमाउंट है वो भी आ गई है। अब आपको यहाँ पर एक डिस्काउंट वाला सेक्शन मिल जाता है। जब आप किसी स्टोर में जाते हो तो वहाँ पर आपको जो कि डिस्काउंट का ऑप्शन भी मिलता है। तो यहाँ पर मैं 15% जो है वो डिस्काउंट रख देता हूँ, और आपको जो अमाउंट देखने को मिल जाएगी वो आगे आपको अमाउंट देखने को मिल जाती है 866 रुपये, और वो इसमें से टोटल अमाउंट में से लेस भी हो रखी है। अब आपको यहाँ पर टैक्स परसेंटेज एंटर करना होता है, क्योंकि इंडिया में टैक्स भी चलता है, लेकिन यहाँ पर जो बुक में टैक्स होता है वो थोड़ा कम है। तो यहाँ पर मैं 3% रख देता हूँ इसको। उसके हिसाब से देखिए 142 रुपये 97 पैसे आपका यहाँ से माइनस हो चुका है, और जो अभी जो बिल है, बिल में हमारा टैक्स इंक्लूडेड है, आप इसको एक्सक्लूडेड भी कर सकते हो, अलग से भी जोड़ सकते हो। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल इसको इंक्लूडेड कर देता हूँ, मतलब कि बिल में ही। अब उसके बाद आपने यहाँ पर सेव पर क्लिक करना होता है, और हमने यहाँ पर अपना देखिए ये जो नीचे आपको देखने को मिल जाता है बैलेंस ड्यू, वो इसलिए क्योंकि जो कि है वो हमने क्रेडिट पे कर रखा है। अगर आप कैश पर क्लिक कर दोगे तो ये टोटल अमाउंट मतलब कि पेड में आ जाएगा। तो आप किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं। नीचे आपको सेक्शन मिल जाता है स्टेट सप्लाई, तो आप जिस भी स्टेट के लिए बिल बना रहे हैं उस पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, आपको बिल का जो कि है वो फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा। तो आप सेव पर क्लिक करिए, देखिए ये जो आपका है वो बिल का फॉर्मेट आ चुका है, जैसे कि हमने सेलेक्ट किया था थीम वन पे। तो यहाँ पर बहुत सारी थीम आपको देखने को मिल जाती हैं जो कि वैलिड होती हैं। ये हम लोगों का जो अभी सेलेक्ट हो रखा है वो कुछ इस तरह का बिल है, और आपको मैं यहाँ पर चेंज भी करके बताऊँगा। देखिए आपको देखने को मिल जाता है टैक्स इनवॉइस, तो ये एक टैक्स इनवॉइस है जहाँ पर बिल भी, आपका बिलिंग एड्रेस भी है, और आपके स्टोर का एड्रेस भी है। तो मैं आपको यहाँ पर चेंज करके दिखा देता हूँ चेंज थीम से। तो यहाँ पर जो अभी फ़िलहाल है वो GST थीम वन पर क्लिक हो रखा है। आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, जैसे कि जो हाईलाइट कलर होता है वो ब्लू अभी मैंने कर रखा है। आप इसको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी आपको सही लगे उसको लेकर के कर लीजिए, सारा वैलिड होता है यहाँ पर। अब देखिए आप, जैसे मेरे को यहाँ पर फ़िलहाल ब्लू पसंद है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर मैं जो कि आई कैचिंग है मेरे लिए वो यहाँ पर ब्लू है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको सेट करके रखा है। थीम टू जो होती है GST की, वो कुछ इस तरह से मिलती है। आपने कई बार इस तरह के भी
मतलब कि बिल देखे होंगे जब आप कहीं स्टोर में गए होंगे, तो अलग अलग स्टोर के अलग अलग फॉर्मेट के बिल होते हैं, तो बहुत सारे बिल यहाँ पर बहुत सारे बिलों का फॉर्मेट आपको देखने को मिल जाता है। बस आपने सिंगल क्लिक में ही आपको मिल जाता है, आपको एक्सेल शीट में ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इस तरह से बिल बनता है। अब मैं यहाँ पर इसको अप्लाई कर देता हूँ GST 1 पर ही, ब्लू कलर का मतलब कि हेडलाइट वो हाईलाइटर लेते हुए। अब देखिए हमारा जो बिल है वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पर सब टोटल 5606, डिस्काउंट आपको 841 रुपये, SGST 71 रुपये और CGST 71 रुपये, और टोटल 4908 रुपये 75 पैसे। अब इसको आप WhatsApp में भी शेयर कर सकते हो और आप इसको प्रिंट आउट निकाल कर अपने कस्टमर को भी दे सकते हो। तो WhatsApp में शेयर करना हो तो इस तरह से, अगर आपने इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने कस्टमर को देना है तो आपका जो इस फॉर्मेट का प्रिंट आउट आप अपने कस्टमर को दे सकते हो, जैसे कि आपको अमेज़न फ्लिपकार्ट से मिलता है। अब अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो तो आप यहाँ से जो पैसे हैं वो सीधे अपने अकाउंट में भी ले सकते हो गूगल पे और फ़ोन पे के थ्रू, तो आप इसको जनरेट कोड करके अपना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो इस तरह से देखिए आपने अपना बिल जो है वो एकदम इजीली बनाना सीख लिया है। अगर आप इसको करोगे तो आप 30 से 40 सेकंड में अपना बिल बना पाओगे। अब आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपने देख रखा है इसका नाम है व्यापार, आपको देखने को मिल जाता है इस तरह का कुछ लोगो है। आप जब इसको यूज़ करोगे तो आप आसानी से बिल बनाना सीख जाओगे। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना जो कि अपना एक बिजनेस करते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में। बाय बाय।